तो कल 30 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस को कि मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में एक अनकॉन्शियस पर्सन लेटा हुआ है, और उसके जब कुछ लोकल लोगों ने उसे शिफ्ट किया JVC बेमिना में, तो वहाँ डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। उन्होंने बताया कि इसकी बॉडी पे मल्टीपल बोन इंजरी हैं जो एक शार्प एज वेपन से लगी हैं। उसके बाद PS बटमालू में FIR नंबर 67 अंडर सेक्शन 302 रजिस्टर हुई और इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस में लाया गया। तो जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमारी टीम वहां मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां पूल ऑफ ब्लड था, बॉडी की जो पोजीशन थी। हमने FSL टीम को बुलाया, बाकी फोटोग्राफी सेक्शन को बुलाया। वहां पे हमने लोगों से पूछताछ की, वहां बहुत सारे CCTV कैमरे थे, तो उनके मल्टीपल हमने CCTV कैमरे एनालाइज किए। उसके अलावा जो हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, हमने उसका टावर ट्रैफिक लिया, वहां कौन कौन आया था, कौन कौन गया, व्हीकुलर मूवमेंट। उसके बाद से हमने कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। जब कुछ सस्पेक्ट से हमने पूछताछ की, तो उसके बाद एक सस्पेक्ट हमने जीरो डाउन किया। जब जीरो डाउन हो गया, उसको हम लेके आए अपने थाने, वहां उससे हमने पूछताछ की। तो पूछताछ में उसने वॉलंटरली बताया कि ये ऑफेंस उसने किया है। कैसे किया, उसका रीजन ये बताया कि वो पिछले 1 साल से जो हमारा विक्टिम है उसकी बेटी के साथ रिलेशन में था, और ये बात उसके जो फादर है जो विक्टिम है उसको पसंद नहीं थी, और वो काफी लंबे टाइम से इस बात का अपोज कर रहा था। इससे क्या हुआ कि जब इसको अक्यूज को ये बात पता लगी काफी लंबे टाइम से, तो इसके मन में कैसी इंटेंशन थी कि क्यों ये अपोज कर रहा है, तो एक बदला लेने की इंटेंशन थी इसके पास। इसी के चलते इसने कुछ टाइम पहले, कुछ 4 या 5 महीने पहले, एक चाकू लिया, शार्प एज वेपन, बटमालू से किसी से खरीदा इसने, और हमेशा से मौका देखता था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा ये उस पर एक्शन लेगा। फ्रिक्वेंटली इसने कई बार गया भी, आगे पीछे देखा भी, लेकिन वहां ऐसे मौका मिल नहीं पाया। कल शाम को क्या हुआ कि जब विक्टिम अपने घर पे था, उसने देखा कि ये अक्यूज बेटी के साथ उसी कॉलोनी में था। जब वो वहां पहुंचा, तो उसने बोला कि थोड़ी इनके झगड़ा झगड़ा हुआ, उसने डांटा, तो उस टाइम पे इसे एक मौका मिला, क्योंकि गली में कोई नहीं था, पूरा गली सुनसान थी, शाम का टाइम था। इसने चाकू निकाला, जो ये हमेशा अपने साथ रखता था बदला लेने के लिए, इसने चाकू निकाला और मल्टीपल उसके गर्दन पे, उसके चेस्ट पे कई सारे उसने अटैक किए, और उसी की वजह से उसकी डेथ हुई। और मौके पे जब ये भाग गया, फिर उसके बाद हमने CCTV एनालिसिस किया, लोगों से बात की, तो उसको लाया गया। जब इसको थाने लाया गया, तो इसने बताया कि इसके इंस्टेंस पे हमने 3 चीजें रिकवरी करी। इसकी जो ब्लड स्टेन शर्ट थी जिसपे विक्टिम का ब्लड भी था, वो उसने एक दूसरी जगह छुपा रखी थी। जो इसका चाकू था जिसपे ब्लड लगा हुआ था, वो उसने दूसरी जगह छुपा रखा था, और जो उसका ट्राउजर था वो उसने तीसरी जगह छुपा रखा था। ये सारी हमने इसके इंस्टेंस पर रिकवर की है। अक्यूज को हमने अरेस्ट कर लिया है, ये SSP सर की लीडरशिप में विद इन फ्यू आवर्स, क्योंकि शाम का इंसिडेंट 6 बजे का है, और रात के 2 बजे तक हमने जो अक्यूज है उसको भी अरेस्ट कर लिया था। तो एक अच्छा है, काफी क्विक एक्शन लिया इसमें, लोगों का सपोर्ट रहा, CCTV जो लोगों ने लगाए हैं उसका हमें फायदा मिला कि इसको क्रैक करने में। सर, क्या विक्टिम की बेटी भी स्पॉट पे मौजूद थी उस टाइम? बहुत दूर थी, उसने काफी चिल्लाया भी, उसने फादर को देखा, उसने चिल्लाया, लेकिन क्योंकि मैंने बताया गली सुनसान थी, आसपास कोई था नहीं, कोई आ नहीं पाया उसकी मदद के लिए, तो वो थी, उसने देखा, वो